ये रख दे इधर, जब पसीना आएगा उठा लेंगे। गंदे क्या हुआ क्या पहले ये बता, क्यों हंस रहा है? ये साफे रखे हैं आगे मोबाइल पर देखनी वीडियो क्या है। मोबाइल छुप गया कि साफों में। अच्छा चल 1 2 3 हे एवरीवन व्हाट्स अप, इट्स बीन बीचा व्हाट्स अप एंड If you're watching me for the first time, don't forget. मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button. Make sure that you hit the bell icon so you never miss new videos. हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानती वहाँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एंड लिटरली मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ उनकी मौत से, कि एक बंदा जिसको आप आइडलाइज कर रहे हो यार, जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना, उससे 3 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और उसको मैंने बोला, हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ही कि मूवीज में क्या होना है आगे, हम लोग बात कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूचर में बड़ी पोटेंशियल दिख रही है। धोनी उसने की, फिर उसकी जो रिसेंटली वो आई थी, क्या नाम है, काइप नहीं, काइप पोचे तो पहले आई थी, अभी जो उसकी आई थी जिसमें वो चुछोरे आलिया भट्ट के साथ, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ आलिया भट्ट आ जाती है, फिर तू बोलता है नहीं, मैं कंफ्यूज था आलिया भट्ट की श्रद्धा को। यार तू मुझे पहले बता, तेरा क्रश आलिया है कि श्रद्धा है? यार श्रद्धा पे पहले, आलिया पे भी है, दोनों पे, दोनों ही। अच्छा ठीक हो गया। वैसे वैसे आलिया भट्ट पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि उसने भी डिमोरलाइज किया बहुत बार सुशांत को, क्या कर सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ अच्छा तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा इसके लिए? यार देखो जब किसी की जान जाती है तो अफसोस तो होता है, ठीक है, लेकिन जो खुदकुशी वाला मैटर है ना, मैं नहीं कहता कि खुदकुशी है, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन किसी को भी नहीं पता, सब कह रहे हैं खुदकुशी खुदकुशी खुदकुशी। अगर खुदकुशी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल, गलत बात, बहुत गलत बात है, खुदकुशी वैसे ही हराम है, हराम है। और अगर किसी ने इस्लाम में भी ना देखो ना, हर मजहब में ही हराम हराम है, मना है, अच्छा ही नहीं माना जाता खुदकुशी, क्यों यार, अपनी जान दो, जान ही तो सबसे कीमती होती है यार, जितने भी मजहब है ना उसमें हर मजहब में बताया जाता है कि लाइफ इज एवरीथिंग। हाँ और अगर किसी ने किया है कुछ उनके साथ या किसी ने उनको वाकई में मारा है तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है इस चीज को लेकर, लेकिन अगर खुदकुशी फिर अच्छा, अगर सोचो मर्डर हुआ है फिर तुम्हारा क्या नुकसान है? यार अगर मर्डर हुआ है तो फिर जिसने मर्डर किया है वो गुनाहगार, वो तो गुनाहगार है ही है जो मर गया है। अच्छा सुशांत सिंह राजपूत की तुम्हारा भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार सुशांत सिंह राजपूत की मैंने मूवीज देखी है। अच्छा वन ऑफ द माय फेवरेट मूवी जो कोई अमरिंदर सिंह की नहीं बनी थी, बहुत अच्छी, मैंने 5-6 बार देखी, पांच छह बार मैंने मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है। मैंने उसकी ज्यादा मूवीज नहीं देखी लेकिन जो मैंने ऑलमोस्ट उसकी सारी मूवी देखी है। अभी रिसेंटली एक आई थी जिसमें ये वो बना था, यार मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया, जो जंगलों में लुटेरे नहीं रहते, मैंने नहीं देखी, मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा और वो मूवी नहीं देखी, बाकी मैंने सारी देखी, क्योंकि मैंने वैसे ही जो बॉलीवुड मूवीज होती है देखनी काफी कम, मैंने भी कम की हुई है, कुछ अच्छा आ नहीं रहा, क्योंकि सुशांत की फिल्में अच्छी है, ज्यादा सीजन और यहाँ बॉलीवुड, सुशांत की फिल्में अच्छी है, सुशांत का काम भी अच्छा था, तो सिनेमा पाकिस्तान से इंडिया में दुनिया में घूम रहे हैं, उसकी आई है ना वो तो पहले था, अभी उसने कहा है कि मैं हमारी न्यू मूवी चल मेरा पुत तू आ गई है 12 घंटे पहले। अच्छा फिर खुल गए होंगे, मुझे नहीं इसका नॉलेज, चल मेरा पुत यार, चल मेरा पुत फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन अभी रिस्क कर रही है बीच टाइम में जाके, नहीं होते रश, इस टाइम चलो देखें, मुझे दुख हुआ था हमारे लेजेंड पर्सन तारिक अजीज साहब का, मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी, बड़ा बहुत अच्छा पर्सन, यार देखो जब भी कोई दुनिया से जाता है दुख हो, दुख तो होता है यार, क्योंकि जान मुझे मालूम है हर किसी के साथ। अच्छा मुझे श्रीदेवी वाले सीन का नहीं पता था कि बोनी कपूर को रियासत में अरेस्ट किया गया था और उनको फिर इधर से जाके कोई तियारा जाके उनको लेके आया था, इस चीज का मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे याद है मुझे भी डाउट था उस टाइम में कि मर्डर हो सकता है या सुसाइड यार पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन जिया खान वाला तो मर्डर ही था, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। सूर्य पंचोली वाला जो सीन था, ये जो यार ये जो ग्रेट पावर्स कम विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको फेम शोहरत इज्जत मिलती है ना उसके साथ आप पे जिम्मेदारियां भी आती हैं,
लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। और सलमान भाई के बारे में जो बातें की जा रही हैं तो मेरा तो दिल से उतर गया पसंद। सलमान भी वैसे तो फजूल काम तो कर, काम तो उनका फजूल है ही है, लेकिन जो ये इस वीडियो में बातें बताई जा रही हैं और ये अगर सच्ची हैं, नहीं मुझे इतना तो पता है सलमान भाई गुस्से, सलमान खान भाई भी नहीं बोल रहा हूँ आज के बाद से मैं, सलमान खान गुस्से का बड़ा तेज है, ठीक है, वो ठीक है, वो होना जायज है, हर बंदे को आ जाता है, हमें मुझे भी आ जाता है, मैं भी इसको एक आधी मार देता हूँ कभी कभी, ये भी मुझे उल्टा माफी मांग लेता फौरन ही, माफी मांग दे। तो विवेक ओबरॉय का करियर खराब किया सलमान, ठीक है, फिर उसके बाद क्या नाम है सिंगर अरिजीत सिंह को भी धमकियां बड़ी मिली हैं, तो विवेक और इसका फड्डा जो चला था उसमें अब विवेक माफियां मांगता है सलमान से, तो यार नो डाउट सलमान के पास पावर है, सलमान चलाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री को, लेकिन मुझसे एक दोस्त पूछ रहा था, अच्छा मैंने, मुझे नहीं पता था सलमान के ऊपर इतना ये चल रहा है सीन इस चीज का, मुझे लगा था इसका इशू सिर्फ यहाँ तो जा रहा है उसके ऊपर, करण जौहर के ऊपर, आलिया भट्ट इन लोगों की तरफ जा रहा है कि इसको इसको नेपोटिज्म की वजह से इसको काफी होता था, लेकिन अब ये सूरज पंचोली वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो खुला है ना कि सूरज पंचोली से इसकी लड़ाई हुई थी सुशांत की, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैं तो काफी ज्यादा एक तो टू बी ऑनेस्ट मैं गुस्से में हूँ लिटरली, क्योंकि क्योंकि जितना इसका करियर अच्छा हो रहा था, देखना यार तू सोच, तू तेरी फिल्में आ रही हैं, हिट जा रही हैं, तुझे बेशक तेरे साथ लोग इशू कर रहे हैं, मैं चल मैं तुझे तेरे साथ लड़ाई कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, तेरी फिल्में चलने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू चली जा रहा है, तो इसमें तू डिप्रेस्ड होगा कि तू खुश होगा कि मुझे जमाना रोक रहा है, मैं फिर भी नहीं रुक रहा हूँ, तो अच्छा और इसमें एक और चीज है कि अगर देखो अगर तुम्हें फिल्में नहीं मिल रही, सोचो तुम चल तू एक यूट्यूब पे आ जाए, तू यूट्यूबर है, ठीक है, मैं तुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा हूँ, लेकिन तेरे पास पैसा अच्छा है तो तू वीडियो नहीं बना पा रहा, तो तू क्या करने लग जाएगा, तू काम शुरू कर देगा, तो चलो नहीं बन रही, नहीं चल रही, तो कुछ नहीं मैं बिजनेस शुरू करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, काम करूँ, इसका पैसा भी अच्छा है। और सेकंड जो मैंने न्यूज पढ़ी है, मुझे मैंने न्यूज में सुना है कि सुसाइड करने से एक घंटा डेढ़ घंटा पहले नीचे गया है, इसे जाके जूस पिया रोड से, जो ठेले लगे होते हैं उधर से इसने जूस पिया, ये पता नहीं कहाँ से जूस पिया इसने, ठीक है, फिर रास्ते में इसको एक नेबर मिला, उसको बोलता है यार आज गर्मी बहुत है, अब एक बंदा डिप्रेशन में है, मैं सैड हूँ, कोई मेरे पास उधर मैं उसको बोलूँ गर्मी बड़ी है यार मैं मरण की सोचता भी, ऐसे थोड़ी होता है, तो तुम बताओ हरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यार मैं वही बात करूंगा, बहुत से काम खराब चल रहे हैं बॉलीवुड, बहुत सी चीजें खराब हो रही हैं, जो दूसरा चेहरा निकल के आ रहा है बॉलीवुड का सामने अब, जो हमें नहीं पता, और हमें पता होना भी नहीं था, अगर इस तरह की कोई चीजें हमारे सामने सोशल मीडिया ना लेकर, तो हमें पता चलता, बाकी हमें पता चलता। अब देखो ना इसमें बताया गया है कि वो उसने, उस डायरेक्टर ने भी अपनी बीवी को मारा है, वो किक मूवी के डायरेक्टर ने। हाँ देखो यार, अब सलमान जो है वो सलमान खान का, अब वो जो कर रहा है, अब उसको, उसके पास पावर इतनी है कि उसको उस चीज से कोई रोक नहीं सकता कि वो क्यों कर रहा है, उसका पावर अगर उसने किया है, हाँ अगर उसने किया हो भी सकता है, अगर किया है तो उसके पास पावर है, उसको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि पावर है उसके पास, इंडस्ट्री चला रहा है, और अंधे अंधे फैन, हाँ अंधे फैन है उसके, तो जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है उनका ही चल रहा है। मैं तो वैसे ही अब बॉलीवुड से काफी दूर हुआ हूँ, काफी टाइम से, अच्छी बात, कोई बहुत कोई अच्छी मूवी आ जाए यार, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं नेपोटिज्म को नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं जाते ही नहीं यार इस चीज के ऊपर ना, इनको भी पता है कि जब ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बुलाते हैं ना सिर्फ इस तरह की कोई सीरियस टॉपिक पे, तो इनको पता है मैं मना कर देता हूँ, है ना, कि यार मुझसे नहीं होता ये, फिर आधे घंटे बाद कहता है कि व्यूज आएंगे, लेकिन नहीं मैं कहता, तो मैं कहता हूँ यार तुम्हारा काम है तुम करो, मैं नहीं कहता कि तुम ना बनाओ, यार पता है देखो तुम छोटे हो, ठीक है, तुम्हारी एज मुझसे दो तीन दिन छोटी है, तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू ना अभी थोड़ा बचकाना है, तुम जिंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, जिंदगी में ना जिंदगी हर टाइम हंसी खेल मजाक नहीं होता, नहीं मैं ये नहीं कह रहा यार, देखो हर बंदे का एक दूसरा चेहरा भी होता है, दूसरा अगर बंदा खुश है ना तो उसमें वो परेशान भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फिर दूसरे की परेशानी में भी उंगली उठाए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दूसरे कोई परेशान है, लेकिन मैं जो अगर परेशान होता हूँ ना, फिर मैं यहाँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा दोस्त मैं सब बात शेयर कर लेता हूँ, इससे मैं हल्का हो जाता हूँ, यहाँ मैं बाथरूम में जाके हल्के हो जाता, यहाँ वैसे ही हल्के हो जाता हूँ,
लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहता कि कैमरे पे जाके शो करूं या ये, क्योंकि मुझे वो चीज अच्छी लगती कि मैं क्यों किसी को अपना सैड चेहरा, मैं तुम्हें बताऊं ये जो है ना, मैं परेशान हूं तुम्हें, होता है यार अगर कोई डेथ हो गया किसी उसका इजहार करता है, और करना भी चाहिए, और तुम्हारी तो मैं कह रहा हूँ काफी टाइम से इस चीज फील्ड में हूँ, तुम्हारा बनता भी है कि तुम बात करो उनपे, क्योंकि तुम ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व, मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि मैं असल में मैं हर, तुमने देखो अब सुशांत सिंह मतलब किस्मर है तो तुम उसकी सारी मूवीज देखते आ रहे हो, पूरा बैकग्राउंड पता, मुझे पता नहीं है तो मैं आगे क्या करूंगा, क्या बताऊंगा किसी को यार, पता है क्या मेरा ना, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, हम खुश हैं हमें इस पे बताना चाहिए, हम दुखी हैं हमें इस पे बताना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यार ये व्यूज के लिए नहीं सब कुछ, मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है ये, लिविंग वे है मेरा कि मैं अपना जो फीलिंग है वो शेयर करता हूँ, और ये फीलिंग ये इंसान के लिए अच्छा मुझे लगता है, ये बात नहीं कि मैं बनाना चाहूँ तो मैं बनाऊंगा, मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ, लेकिन एक अंदर से देखो जिस चीज के लिए अंदर से सेटिस्फेक्शन आना आ रही होती है, हर बंदे की वो हर बंदे अलग होती है, अलग होती है, मुझे नहीं पता था इन सारी चीजों, मुझे भी नहीं काफी, अब मुझे पता चला है कि क्या किस कैमरा बंद हो गया एक दिन पहले, मुझे नहीं पता चला, यानी कि मुझे नहीं पता था कि उनके बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा बंद था, मुझे नहीं पता था कि टू स्पीकर है ये, ये मुझे डेथ और जो भी है मर्डर है या जो भी है कुछ है मुझे नहीं पता, अच्छा आज पता तो किसी को भी नहीं, लेकिन गलत हुआ जो सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज आवर वीडियो, इफ यू लाइक वाचिंग आवर वीडियो प्लीज गिव अस अ बिग फैट थम्स अप, if you want to suggest us something or you have any question please write that in the comment section below, you can also follow me on Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Likey, basically I'm everywhere, simply search any BLS of the day and you will find me, you can also find him ZWSHUUFM and you can find me basically everywhere, dekho kitna paseena bahaya, khoon paseena baha deta hu is video ke liye, so please like share kar diya, agar yahan pe hamare channel ke links aa gaye hain click karein subscribe kar le, yahan pe hamari dusri video aa gayi dekhe enjoy karein, stay blessed, stay happy, enjoy your life, bye, take care, peace. Get never over.